स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू अप्लाई कम्प्लेक्स फिल्टर्स इन एस बी एस एस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी वॉट इज अ कम्प्लेक्स फिल्टर कम्प्लेक्स फिल्टर इज अ टाइप ऑफ अ फिल्टर इन विच वी एक्चुअली सेलेक्ट टू वेरिएबल टू अप्लाई इट इसको डबल फिल्टर भी कहा जाता है और इसमें हम दो वेरिएबल से ज़्यादा भी हम ऐड कर सकते हैं तीन भी कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स भी ऐड कर सकते हैं तो इसकी बेसिस पे आ, कम्प्लेक्स फिल्टर्स की दो टाइप्स बन जाती हैं डबल फिल्टर्स और मल्टीपल फिल्टर्स तो अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर इसका सिमिलर ही है जैसे हम सिंपल फिल्टर्स अप्लाई करते हैं एस में हम डेटा की टैब में जाएंगे वहाँ से सिलेक्ट केसेस की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर जब आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ से आप फिर इफ़ कंडीशन पे आ जाएंगे इफ़ कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से आप फिर अपने जो आपने वेरिएबल्स जिनकी बेसिस पे आपने डेटा को फिल्टर करना है वो सिलेक्ट करेंगे जैसे इस केस में जेंडर और लिविंग एरिया को हमने सेलेक्ट किया है और आप उसको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये वाला आपके पास विंडो आ जाएगा जहाँ पे आपने ओके okay करना है ओके okay करने के बाद आपका ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा और जैसे सिंपल फिल्टर में जो केसेस अनसेलेक्टेड थे वहाँ पर आपके पास क्रॉस का निशान आ रहा था तो इसमें भी वही क्रॉस का निशान आपके पास आ जाएगा तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जैसे कि हम सिंपल फ़िल्टर्स में हमने इसको अप्लाई किया था वैसे ही हमने कॉम्प्लेक्स फ़िल्टर में इसको अप्लाई करना है फ़र्क सिर्फ इसमें यह है कि इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल आप यूज़ करेंगे उसमें आप सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पर दो, भी हो, दो भी हो सकते हैं दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं